న్యూస్ వన్ హైదరాబాద్. So you have to guide us when to cut it. यहाँ ओल्ड सिटी में ये कैंसर हॉस्पिटल जो किम्स कैंसर हॉस्पिटल है, इससे पहले बीबी कैंसर हॉस्पिटल था, तो बहुत पुराना, तकरीबन 28 से 30 साल पहले सैयद अली साहब जो अमेरिका के बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने बिल्कुल अपने चंचलोड़े के बाजू में ये दवाखाना खोला, जिससे बहुत से लोगों को फायदा हुआ. और आज वो केरला के जो किम्स ग्रुप से कोलैबोरेशन करते हुए इस दवाखाने को बहुत डेवलप किया. और आज यहाँ पर एक जो मशीन बाहर से अमेरिका से लाई गई, जिसकी कास्ट 10 करोड़ है, उसका इनॉग्रेशन किया गया. इससे होगा ये कि पेशेंट को जो भी आप फिजियोथेरेपी करते हैं उनको साइड इफेक्ट नहीं. साबिका मशीन जो थे उससे थोड़ा साइड इफेक्ट होता था. आदमी एक महीना ट्रीटमेंट कराते, देखने वाला भी पूछता था, अरे क्या भाई आपको कैंसर हो गया क्या? किसी के बाल चले जाते थे, किसी के चेहरे पर बाल आ जाते थे. पर न्यू टेक्नोलॉजी मशीन से ऐसी कोई उन लोगों को मतलब ऐसा पता नहीं चलेगा कि हम ट्रीटमेंट करवाए. हम मुबारकबाद देता हूँ हमारे जो भी हमारे सैयद अली साहब जो फाउंडेशन डाले थे, हमारे निसार साहब और उनके पूरा खानदान के ग्रुप को, कि 2-3 जनरेशन से जो लोग आवाज भी खिदमत करते आ रहे. और ये दवाखाना ओल्ड सिटी में डालना बहुत हिम्मत की बात होती, क्योंकि यहाँ उतनी कैपेसिटी नहीं है लोगों के लिए ज़्यादा बेर कर सके. जो लोग ये चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, वही ओल्ड सिटी की तरफ आते. तो मैं यकीनन शुक्रिया अदा करता हूँ. और हमारी हुकूमत हमेशा ऐसे दवाखानों को इंकरेज करेगी जिस दवाखाने में लोगों को बहुत कम पैसों में अच्छा इलाज किया जाता है. और ये बहुत अच्छी कास्टली मशीन है. और किम्स ग्रुप के हमारे जो भी चेयरमैन से उनके ग्रुप को मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ. केरला वाले भी बहुत खिदमत करने का जज्बा होता है. एजुकेशन हेल्थ में केरला वाले बहुत आगे होते हैं. और मैं खुद भी केरला का दौरा कर चुका हूँ हमारे सीएम साहब के साथ. हम वहाँ पर उनके चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे. और मुझे, मैं जब सऊदी अरब गया था, वहाँ भी एक केरला हॉस्पिटल का इनाग्रेशन किया था. केरला वाले एक बड़ा हॉस्पिटल खोले थे. तो केरला के लोगों का भी मैं हमारे स्टेट में आने पर वेलकम करता हूँ. और यही उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को कम पैसों में अच्छा इलाज होगा. और हमारे निसार साहब को यही मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतनी अच्छी मशीनरी ओल्ड सिटी के हॉस्पिटल में लाए, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी नहीं है और वहाँ के बड़े बड़े दवाखानों में भी नहीं है. उससे काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा इलाज होगा और कम पैसे में होगा, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होंगे. मैं मुझे बुलाने पर शुक्रिया. ट्रीटिंग सॉलिड ट्यूमर्स ऑफ हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट, सर्विक्स, लंग कैंसर एंड मोस्ट सॉलिड ट्यूमर्स कैन बी ट्रीटेड विद एब्सोल्यूट मिलीमीटर एफिशिएंसी. वन इज द बीम शेपिंग, व्हिच आई एक्सप्लेन. द बीम शेपिंग डिवाइस मेक श्योर दैट द सिस्टम इन द हेड delivers precision millimeters diameter of radiation, which is meant only for the tumor tissue, the target volume, what we call the target volume. So there is something called target volume. So the target volume is what includes the tumor and a little bit of surrounding tissue for microscopic disease. So this is the most advanced system which Varian, the manufacturer, is. There are only 2 manufacturers in India, Varian and Elekta. So this is a Varian machine, most advanced machine, where you get precision and minimal, hardly any side effects of mucositis or reactions or anything else. So, and one more important thing is it's a high dose rate. It treats faster patients. Almost you can treat double the number of patients in a day. Now this is important because